मुख्यमंत्री जी नमस्कार के इस अंक में आप सभी का बहुत स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं जिला कांगड़ा के जिला मुख्यालय धर्मशाला में, और स्मार्ट सिटी के तहत जो है ये क्षेत्र जो है वो आता है। और यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है एक डंपिंग साइट जो मौजूद है, जो कि लगातार लोगों के लिए समस्या जो है वो बनी हुई है। इसको लेकर के लोग जो है कई दफ़ा जो है जिला प्रशासन के समक्ष जो है अपनी मांग को रख चुके हैं। नगर निगम प्रशासन के साथ इस मुद्दे को कई बार उठाया जा चुका है। कई तरह की दिक्कतें जो हैं इस डंपिंग साइट की वजह से जहां स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ रही है, वहीं यहां से जो ये सड़क गुजरती है, यहां से जो लोग गुजरते हैं उन्हें भी इस समस्या से जो है अक्सर दो चार होना पड़ता है। इस डंपिंग साइट की अगर हम बात करें तो इसके नज़दीक ही जो है वो यहां पर HRTC की वर्कशॉप है, जहां पर जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं, उनके यहां पर जो रेजिडेंस हैं वो भी यहां मौजूद हैं। और अक्सर इस डंपिंग साइट से निकलने वाली भारी बदबू जो है लोगों के लिए जो है एक समस्या जो है लगातार बनी हुई है। इसी समस्या के ऊपर जो है हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से कि उनका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे को लेकर। तो आइए जानते हैं लोगों से कि उन्हें किस प्रकार की समस्या जो है वो झेलनी पड़ रही है। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, यहाँ हमें गंदगी की वजह से बहुत परेशानियाँ आती हैं। गर्मियों में यहाँ आग लगती हैं और गैस बहुत गंदगी की ये उठती हैं, और हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, हम खेतों में काम नहीं कर सकते हैं। इसकी गंदगी की वजह से हम कोई सब्जियां नहीं उगा सकते हैं। हम कपड़े धोते हैं तो हमें हाथों में एलर्जी हो जाती है, और हमें ये गंदगी की बहुत मुश्किल है। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, हमारी निवेदन सुनना। हमारे साइड डंप के साइड है, इसका बहुत प्रॉब्लम है। हमें अब सांस की बीमारी बहुत ज़्यादा है, सांस नहीं ले सकते हम, और हमारे खेत में भी यही पानी जाता है, और हम सब्जी कुछ भी उगा सकते। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ बहुत सी गंदगी है, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ नहीं पाते हैं, यहाँ मक्खी मच्छर बहुत हो गए हैं, और हमारे यहाँ लगते खेत में हम सब्जी कोई नहीं उगा पाते। इस गंदगी का जल्दी से जल्दी निवारण किया जाए। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, हमें ये जो डंपिंग साइड है इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। हमारा इस डंपिंग साइड से जीना दुर्भर हो गया है। हम खेतों में काम कैसे करें। ये जो चीले हैं, कुत्ते हैं, हमारा पशु है, ये हमारा बहुत जीना दुर्भर कर रहे हैं। यहाँ पता नहीं क्या क्या गिरा देते हैं, और मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है, हम खाना नहीं खा सकते। हम अब सर्दियों में हम कोई फंक्शन नहीं कर सकते हैं। हमारी ये मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि ये जो डंपिंग साइड है इसको कहीं वीरान जगह में आप शिफ्ट कर दें, और बस हमें यहाँ नहीं चाहिए ये। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, डंपिंग साइड का बहुत गंदा है। हमें हमारे बच्चे यहाँ स्कूल से आना नहीं चाहते है। बोलते कि घर में जाना तो सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, हम पढ़ाई नहीं पढ़ पाते, फिर खाना नहीं खा पाते, फिर बोलते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता, हमें कहीं और शिफ्ट कर दो। कागज़ वगैरह गंदे जो होते हैं वो सारा खराब कर देते हैं, इसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम है। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, हमारा आपसे ये आग्रह है कि जो धर्मशाला सुधेड़ गांव में HRTC वर्कशॉप के पास जो नगर निगम द्वारा जो डंपिंग साइट बनाया गया है, इससे जो हमारे हम स्थानीय लोग जो हैं वो भारी समस्या में हैं। इस डंपिंग साइट को कहीं वीरान जगह लेके इसको शिफ्ट किया जाए, ताकि हमारे गांव वाले आने जाने वाली गाड़ियाँ जो और साथ में HRTC वर्कशॉप जो और भी कार्यालय हैं, तो उनका जो मतलब अच्छे से मतलब उसका जीना बेहतर हो सके। धन्यवाद। स्थानीय लोगों का और राहगीरों का साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री जो है जल्द से जल्द इस समस्या का निदान करें, ताकि यहां के लोग भी जो है वो बेहतर जीवन जो है वो व्यतीत कर सकें। DD News के लिए धर्मशाला से विपिन शर्मा।